से सनी सड़क और उस पर बिखरी दो लाशें। ये सड़क पर खूनी संग्राम का दृश्य है जिसका कनेक्शन सत्ता के संग्राम से जुड़ा है, क्योंकि इन लोगों की जान लेने वाली ये कार है कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के काफिले की। जी हाँ, गोंडा के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने तीन लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। बताया जा रहा है कि करण भूषण सिंह अपने गाड़ियों के काफिले के साथ हुजूरपुर जा रहे थे। हुजूरपुर जाते वक्त काफिले में चल रही पुलिस स्कॉट लिखी फॉर्चुनर गाड़ी ने बहरहाल हुजूरपुर मार्ग पर पहुंचते ही ओवरटेक करने के चक्कर में पहले बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, फिर बिजली के खंभे को तोड़ते हुए घर के सामने बैठी 60 साल की बुजुर्ग महिला पर भी कार चढ़ा दी। सड़क हादसा इतना भीषण था कि फॉर्चुनर गाड़ी के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गाड़ी के अंदर बैठे लोगों ने एयरबैग खुलने से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे करनैलगंज क्षेत्र अधिकारी और कोतवाल ने पूरे मामले की जांच करके फॉर्चुनर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, साथ ही घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।